हेलो गैस, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि डीपी चार्जेस क्या है और हमें क्यों देना पड़ता है और कितना देना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है गैस कि डीपी चार्जेस क्या होता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आया है मेरे को। दो तीन दिन से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मैसेज आ रहा है कि सर डीपी चार्जेस क्या है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हमें पता नहीं है। रोजाना हमारे जो चार्जेस हैं डीपी चार्जेस बोल के 15-16 रुपया समथिंग कट रहा है मेरे अकाउंट से। तो मैंने सोचा चलो सबका रिप्लाई देना तो पॉसिबल नहीं है गाइस, फिर भी मैं एक वीडियो इस पे बना देता हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहेंगे गाइस। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आता है कि व्हाट इज डीपी चार्जेस, डीपी चार्जेस क्या है गाइस। जब हम डिलीवरी में किसी भी शेयर को किसी भी प्लेटफॉर्म से जब हम बाय करते हैं गाइस, चाहे वो ग्रो क्यों ना हो, एंजल ब्रोकिंग क्यों ना, जीरोधा ही क्यों ना हो, तो हमारे जो शेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होंगे। हमारे जो शेयर्स का रिकॉर्ड है कि मेरे नाम पे इतने शेयर्स हैं, वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होंगे ही ना गाइस। तो इंडिया में सिर्फ दो ही डिपॉजिटरी हैं, एक CDSL है और NSDL है। तो हमारे जो ग्रो का है वो CDSL में, हमारे जो डीमेट अकाउंट है वो ओपन हो रखा है। तो हमारे जो शेयर्स जब हम खरीदते हैं तो हमारे डीमेट अकाउंट में जाके डिपॉजिट हो जाता है कि आपके नाम पे इतने शेयर्स आपने खरीदे, इस डेट को खरीदे। तो इससे जो रिकॉर्ड रखने का काम, जो हिसाब किताब रखने का काम जो करता है ना, वो CDSL करता है। तो इस हिसाब किताब रखने का काम को करने के लिए वो फ्री में तो नहीं करेगा ना गाइस, आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है। हालांकि ये चार्जेस इतना ज्यादा नहीं लेता जितना ग्रो आपसे लेती है। इसका जो चार्जेस होता है ये आपको 4-5 रुपये समथिंग में लेती है, बट ग्रो आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है और उन एक्स्ट्रा चार्जेस का 18% आपसे चार्ज लेकर टोटल 15 रुपीज़ 93 पैसा समथिंग हो जाता है। और ग्रो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस इसलिए लेता है गाइस क्योंकि ग्रो को भी और भी ज़्यादा चार्जेस होते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो कि उसे पे करना होता है। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ दे रहा हूँ गाइस रखने के लिए, तो आप तो कुछ चार्ज करोगे ना, फ्री में तो नहीं रखोगे ना। यही होता है कि जो हम शेयर्स खरीदते हैं वो हमारे डीमेट अकाउंट में सेव होते हैं और डीमेट अकाउंट उसे मेंटेन करने के लिए, उसे रखने के लिए, डिपॉजिट रखने के लिए हमसे चार्ज लेता है, उसी को हम डीपी चार्जेस कहते हैं गाइस। डीपी चार्जेस का कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप अपना जो एक्स्ट्रा डीपी चार्जेस आपका जो फालतू का लग रहा है आप उससे बच सकते हैं गाइस। तो सिंपली बताना चाहूंगा कि कुछ रूल्स है जो कि मैं बताता हूं कि अगर आप किसी भी शेयर्स को सेम डे बाय करते हो, सेम डे सेल करते हो डिलीवरी में, तो आपको कोई भी डीपी चार्जेस का जरूरत नहीं है गाइस, आपको किसी चार्ज का डीपी चार्जेस नहीं लगेगा सिंपली वे में। अगर आप आज किसी भी शेयर को बाय कर रहे हो और कल अगर सेल कर रहे हो तो आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आज आप बाय कर रहे हो 10 साल के बाद भी सेल कर रहे हो तो आपको 15 रुपीज़ और 93 पैसा आपको डीपी चार्जेस देना पड़ेगा गाइस। ये एक रूल है। और एक रूल ये है कि अगर आप मान लो रिलायंस आपने 100 शेयर्स खरीद लिया और आप एक ही बार उसे 100 शेयर बेच दिए, तो आपको सिर्फ एक ही बार डीपी चार्जेस पे करना पड़ेगा। आपको रोजाना डीपी चार्जेस नहीं लगेगा, आपको एक ही बार डीपी चार्जेस पे करना पड़ेगा 15 रुपीज़ 93, चाहे आप 1000 करो, चाहे 10,000 करो, चाहे 1 करो। अगर आप 100 खरीद लेते हो और एक एक करके रोजाना आप उसे सेल करते हो, तो आपका एक एक करके रोजाना आपका 15 रुपया लगेगा, मतलब पर ऑर्डर पे आपसे चार्ज करेगा। एक ही बार भी सेल करोगे तो आपको उतना पैसा लगेगा। आप एक दिन में एक एक शेयर करके भी सेल करोगे तो आपको रोजाना 15 रुपीज लगेगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखना गाइस। और कुछ नए जो लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में गाइस, तो वो लोग क्या करते हैं, आप 10 रुपये का एक शेयर खरीदेंगे, 5 रुपये का एक शेयर खरीदेंगे, सबसे पैनी स्टॉक का शेयर खरीदते हैं और वो बेचारे क्या करते हैं, एक दिन होल्ड कर देते हैं, सेम डे ना बाय करके मत सेल करके वो एक दिन दो दिन के बाद सेल करते हैं, उनका पैसा कट जाता है गाइस। एक तो 5 का शेयर खरीद रहे हैं पेनी स्टॉक, एक वो भी क्वांटिटी एक खरीद रहे हैं, प्लस उनका 15+16 रुपये डीपी चार्जेस लग जाता है, उनका अकाउंट नेगेटिव में आ जाता है, इसलिए वो पैनिक में हो जाता है कि मेरा पैसा कट गया, मैं तो 6 रुपये खरीदा था, 15 रुपये कट गया। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, तब आप इस प्रॉब्लम से या आपका जो पैसा बिना मतलब का कट रहा था उससे आप बच सकते हो। आपको नॉलेज होना चाहिए गाइस कि डीपी चार्जेस क्या है। तो सिंपली आप कम का खरीदो ही मत गाइस कि आपको उतना का लॉस हो, आप जितना का खरीद नहीं रहो। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पेनी स्टॉक खरीदना है कि मैं 10-15 साल के लिए, तो आप खरीद के होल्ड कर सकते हो गाइस, उसमें आपको डीपी चार्जेस भी लगेगा, सेल करने के टाइम लगता है क्योंकि डीपी चार्जेस अभी नहीं लगता, जब आप सेल करोगे तब आपका डीपी चार्जेस लगेगा गाइस। तो आप इन बातों का ध्यान रखो कि 100 रुपये से स्टार्ट मत करो, 100 रुपये में आप इन्वेस्टमेंट करते हो और एक सेम डे बाय सेम डे सेल करो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंट्राडे कर सकते हो, पर अगर आप होल्ड करते हो तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा ही गाइस। इसका कोई अलग रूल नहीं है कि आप डीपी चार्जेस से कैसे बच सकते हो, कैसे इसे इग्नोर कर सकते हो, ऐसा नहीं गाइस। अगर आप होल्ड करोगे कोई भी स्टॉक को और शेयर करोगे तो आपको डीपी चार्जेस लगेगा ही लगेगा, इसका कोई भी दूसरा रूल नहीं। अगर कोई यूट्यूबर बोलता है कि इसका बच्चा है, तो ये आप समझ जाओ कि फॉल जरिए गाइस, ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, बताने वाला हूँ कि एक व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है कि आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम सवाल जवाब हो तो आप वहाँ से कमेंट कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे भी कुछ इमरजेंसी वगैरह हो तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं गाइस, आपका हेल्प किया जाएगा गाइस। और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्यूचर में आने वाले अपडेट वहां पे मिलते रहेंगे गाइस। आई होप गाइस कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहेंगे।